हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल स्विमिंगबायमनी, दूसरा चैनल टेक्निकल लवलीमनी, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आज की वीडियो स्पेशल है, शायद आज मैं सिर्फ हाथ से ही शूट कर रहा हूँ। आज क्या है, मेरे बच्चे के ऊपर है, जो जिसको दिया को मेरा पहला पार्ट आपने देखा होगा, दिया को जो मैंने बैक फ्लोटिंग सिखाई थी। अगला स्टेप क्या है, छोटे बच्चों को आगे क्या सिखाना है। स्टार्टिंग में अगर आपने मेरा पहला नहीं देखा तो देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि अब बच्चा काफ़ी दिन हो गए, मतलब कि उसको अब फ्लोटिंग भी थोड़ी बहुत करने लगी है, बैक फ्लोटिंग करने लगी है, पर वो अकेली नहीं करती, साथ में ऊँग तो करती है। तो अगला स्टेप क्या है कि उसको पानी के अंदर फेस करना है। पानी के अंदर फेस करना है, कोई सांस लेने के लिए छोड़ना या लेना वो चीज़ नहीं करना, सिर्फ वो आगे वाला स्टेप क्या है मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो चलो स्टार्ट करें, चलाओ। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में क्या करना है, बच्चे ने ये प्रैक्टिस, पैर कैसे होने चाहिए, हाँ चलाओ, ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। बच्चे को भी पता है कि ये इसकी प्रैक्टिस करवानी है, चाहे आप मजाक में कराओ जैसे मर्जी कराओ, उसके बाद फ्लोटिंग आती है। ओके, लेट के करके दिखाओ, लेट के करो, चलाओ पैर, चलाओ 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 चलाओ। फ्रेंड्स, ऐसे ही लेट के करनी है आपने, सिंपल सी प्रैक्टिस, ठीक है। ये बच्चे को आता है, इसकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस है। काउंट करो जोर से, पैर चलाओ, पैर कैसे होने चाहिए, पैर कैसे होने चाहिए, करो चलाओ, पैरों की मूवमेंट ऐसे होनी चाहिए, चलो चलाओ, अब चलाओ, तेज चलाओ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं चलाओ, बाबा आ जाएगा फिर, तेज 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 तेज। तो फ्रेंड्स, पैर की ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स, करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि बच्चे को मस्ती करने देनी, यानी कि मस्ती ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं करनी, ओके। अब काटो फेस अंदर, करो पानी के अंदर एक बार, वेरी गुड, एक कौन, इधर देखे इधर देखे इधर देखे इधर देखे, रेडी, 1 2 3 डीप, वेरी गुड, 12 12 फिर से, वेरी गुड वेरी गुड, फिर से पूरा जाना चाहिए, चलो चलो फेस अंदर फेस अंदर, वेरी गुड वेरी गुड, फिर से पूरा फेस करो अंदर, पूरा फेस, नीचे बैठ जा पूरे। फ्रेंड्स, इससे इसका धीरे धीरे क्या होगा कि इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और इसमें ये ब्रीथिंग करनी है उसके बाद स्टार्ट करेगी, क्योंकि पहले में डर होता है कि फेस पानी के अंदर कैसे करना है। ओके, काउंट करो कितने हुए, 10 करने, कंटिन्यू, शुरू से करने, शुरू से शुरू से शुरू से शुरू से। तो फ्रेंड्स, बच्चे को मजाक के साथ, मतलब कि मजाक में कर लो, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है, कह रहा नहीं मानता, आप उसको थोड़ा डर भी दे सकते हो किसी चीज़ का, जब बीच गहरे पानी में ले जाऊंगे, जब बाबे को पकड़ा दूंगी, या पुलिस को, जो भी आपका जैसे भी जो लालच देनी आप दे सकते हो, जो डर देना आपने दे सकते हो, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा, ठीक है। फ्रेंड्स, तो क्या करना है, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया कि बच्चों को वैसे प्रैक्टिस करानी है, वो आप घर में भी करा सकते हो, किकिंग की प्रैक्टिस करानी है आपने, उसके बाद हैंड प्रैक्टिस भी करानी है, वो मैंने दिखाई नहीं, आप पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता हो गया होगा। उसके बाद फ्लोटिंग होती है, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि बच्चे को धीरे 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 स्विमिंग सिखानी है, एक दिन में ही ज़्यादा स्कोर, मतलब कि नहीं करना कि एक दिन में आज हम स्विमिंग ये पार्ट करेंगे कल वो करेंगे, ना, एक दिन करो, उसको छोड़ दो कुछ दिन के लिए, उसके बाद वो रेगुलर प्रैक्टिस करेगी। उसके बाद अभी ये स्टेप रहता है कि अभी जैसे क्या होता है कि बच्चे को ब्रीथिंग के बारे में इतना नहीं पता होता, अब ये जैसे फेस अंदर करने लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 धीरे, अभी जो पानी के अंदर से भी मैं दिखाऊंगा आपको कि ये पानी के अंदर फेस कैसे कर रही है, पूरा मैंने पानी के अंदर से भी शूट किया हुआ है, बल्कि अभी जंपिंग कर रही है, ये अपनी मर्जी से फेस अंदर कर रही है, इसको बोला जा रहा है फेस अंदर करो, तो ये तुरंत फेस अंदर कर लेती है। बच्चे को अगर काउंटिंग एक लिमिट दे दो कि ये टाइम इतने टाइम करो, तो बच्चा खुशी खुशी करता है कि हाँ इतने टाइम हम मस्ती करेंगे, बच्चा मस्ती करते करते जल्दी सीख जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगले पहले मैंने फ्लोटिंग बताई हुई, ये फ्लोटिंग अभी मेरे आगे के हाथ में कैमरा है तो मैं इसलिए नहीं अच्छे से करके दिखा पाया, नहीं तो ये बच्ची फ्लोटिंग भी कर लेती है अच्छे से। तो फ्लोटिंग इंपॉर्टेंट है, अगर आप बच्चों को सिखाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लोटिंग, ताकि बच्चे को थोड़ा डर निकल जाए, ठीक है। उसके बाद बच्चा मस्ती कर रहा है तो करने दो, ये बच्ची अभी छोटी है, ये है 3 3.5 मतलब की 4 साल की होने वाली है ये, ठीक है, और ये इसका डेट ऑफ बर्थ की 2015 की है ये, मतलब आप हिसाब लगा रहे 4 साल की या 5 4 साल की पूरी गई या 5 माह लगे इसको, तो चेक कर सकते हो कि ये इतना छोटा बच्चा अभी ब्रीथिंग मतलब कि फेस पानी के अंदर करने लग गया है। उसके बाद ये मतलब कि 6 महीने का स्विमिंग पूल का केस होता है, 6 महीने चलता है, तो 6 महीने में ये अभी फेस करने लगी, इसकी ब्रीथिंग ब्रूथिंग मतलब कि फ्री स्टाइल इसको अच्छे से आ जाएगा। अभी चेक कर सकते हो कि ये ना पानी के अंदर आके ना ब्रीथिंग छोड़ रही है, ना कुछ कर रही है, बस सिर्फ पानी के अंदर फेस डुबो रही है, जिसके कारण क्या होता है कि ये 10 बार जंपिंग करती है तो एक बार फेस अंदर करती है, इससे क्या होगा जब धीरे धीरे ये इस चीज़ को भी एक्सपर्ट हो जाएगी, थोड़ी सी फेस अंदर रखने लग जाएगी, उसके बाद हम इसको ब्रीथिंग के बारे में बताएंगे। जैसे ही ब्रीथिंग के बारे में सेशन पूरा हो जाएगा मेरा, मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपने छोटे बच्चे को स्विमिंग सिखानी है तो मेरी टिप्स आ रही है मेरे चैनल से, मैं ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ,
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने छोटे बच्चे को स्विमिंग सिखानी है, या फिर आप खुद छोटा बच्चे को क्या उसको दिखाना है तो आप मोटिवेट कर सकते हो उसको, वीडियो दिखा के देखो वो कितनी छोटी है क्या कर रही है। केवल क्या होता है कि बड़ों को बहुत डर लगता है तो वो स्टार्टिंग में ये स्टेप कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनको ये चीज़ आदत पड़ जाएगी, उनको भी फिर पानी से डर नहीं लगेगा। चेक कर सकते हैं इसका पानी के अंदर फेस, ये नाक मुंह बिल्कुल बंद करके उसके बाद पानी में डुबोती है। हालांकि इसको ब्रीथिंग की मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है पानी के बाहर, मतलब कि ये हाथ रख के मैंने बताया हुआ कि जहाँ से आपने सांस छोड़ना है बाहर आके मुँह से लेना है, तो ये बाहर आके मुँह से ले तो रही है पर पानी के अंदर छोड़ नहीं पा रही क्योंकि अभी ये छोटी है, धीरे धीरे ये वो भी समझ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो में जो मैं चीज़ दिखाना चाहता था, इसका अगला स्टेप दिखाना चाहता था, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं छोटे बच्चों को कैसे स्विमिंग सिखाते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो अभी ये चेक कर सकते हो कि आपने बच्चे को यही सेम टू सेम यही अप्लाई करना है। आप मेरी वीडियो से एक स्टेप उठा सकते हो जो कि आपने बच्चे को जिस दिन जाना है उस दिन प्रैक्टिस करानी है, बच्चे को दिखा देंगे आज हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, बच्चे के आप आगे बच्चे की छोटी सी वीडियो बना के बच्चे को दिखाओ जी देखो आपने क्या किया कैसा किया अच्छा किया, फिर बच्चा और थोड़ा एक्टिव होकर करता है। ठीक है, बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अभी देख सकते हो कि इसका सिर्फ फेस अंदर कर रहे थे। ठीक है, तो अब मैंने लास्ट में जो थंबनेल लगाया है उसके ऊपर इसकी फ़ोटो खींची थी हमने, कि थंबनेल के लिए ये मतलब कि थोड़ा एक्टिव रहती है क्योंकि ये मेरे पास ही रहती है तो थोड़ा होता है ना दिन में गर्मी में प्रैक्टिस करा देता हूँ, इसको घर में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चलती रहती है जिसके कारण इसको स्विमिंग पूल में काफ़ी आसानी रहती है। ठीक है, और काफ़ी मस्ती करते हैं पूल में भी ताकि जो इसको थोड़ा फील ना हो कि हाँ भाई एज ए कोचिंग अभी शुरू होगी, तो बच्चा सिर्फ इंजॉय करता करता स्विमिंग सीख जाएगा, अगले साल में ये कंपटीशन लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, मतलब कि जब ये 5 साल की हो जाएगी तो ये कंपटीशन लड़ेगी ग्रुप 5 में। ठीक है, मतलब कि जिसमें सिर्फ 25 मीटर और 50 मीटर स्विमिंग पूल करना है। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो इसके मैं सारे पार्ट दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये स्विमिंग सीख रही है, कैसे कैसे इसने किया है। ठीक है, ये बिगनर है। ठीक है, तो इससे ऊपर बिगनर कोई नहीं मिलेगा आपको, मतलब कि आई होप कि आपको मेरे चैनल पे सब कुछ सीखने को मिले, आप जल्दी जल्दी स्विमिंग सीख जाओ, मेरी आपको ब्लेसिंग है। बाकी आपको कुछ भी स्विमिंग से रिलेटेड पूछना है मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना तो मैं आपको इजीली बता दूंगा सारा कुछ। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चेक करो, लाइक कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे इसको करना नहीं आ रहा उसके लिए सॉरी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसी खुशी में लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, इसी तरह की आपको वीडियो देते ही रहेंगे। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया मैं फिर भी बता देता हूँ। आपने अगर मेरे मतलब कि छोटे बच्चों को कैसे स्विमिंग सिखाते हैं पहला पार्ट आपने देखा नहीं है तो देख लो, वो आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अगर आप स्विमिंग लर्न की जाएंगे उसमें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि बच्चे को मेन है कि पानी के अंदर डर खुल जाना चाहिए। जब अब जैसे अब वो फेस अंदर कर रही है अपने आप अपनी मर्जी से कर रही है, अगर मैं पकड़ के करूँगा तो वो डर जाएगी। ठीक है, शायद हो सकता है कि वो 2-3 दिन स्विमिंग ना करे, पर नहीं 3-4 दिन उसको बच्चे को छोड़ दो पानी के अंदर। ठीक है, धीरे धीरे वो अपने आप कॉन्फिडेंस हो जाए, एक चीज़ जंप मार मार के बच्चा थक जाएगा, उसके बाद कुछ नया करने को बच्चे को चाहिए तो वो अपने आप कुछ नया स्टेप करेगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा हो सारा कुछ, वैसे तो आ ही रहा होगा, ठीक है तो समझ में आ रहा है, मुझे किसी ने कमेंट किया था मैं भूल गया था, समझ गए होंगे ये वाला कमेंट किया था किसी ने, आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स यही चीज़ रखनी है याद कि बच्चे को कैसे ट्रेनिंग करें। आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरी वीडियो एक पार्ट में मतलब कि एक वीडियो में आप एक चीज़ ले लो उसको बच्चे के प्रैक्टिस कराओ। ठीक है, छोटे बच्चे की मतलब कि वो 3 साल की है 3-4 साल की है। ठीक है, 2015, 16, 17, 18 हाँ चौथा साल, मतलब कि उसको जुलाई में 4 साल की होगी, अभी वो 3-3.5 साल की है, मतलब कि 2015 की डेट ऑफ बर्थ है उसकी 15 की, तो अब 15 से 16, 17, 18 ठीक है 19 में चल रहा है, मतलब कि चौथे साल में अभी लगना है उसने 15 जुलाई को पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ है, अगर इतना छोटा बच्चा सीख लेता मतलब कि ये सीख जाएगी इस साल के मतलब कि सितंबर के एंड तक उसको स्विमिंग आ जाएगी, थोड़ी बहुत जो करनी आती है बिगिनर को वो मैं उसको सिखा दूंगा, और उसके बाद अगले साल वो पूरी प्रोफेशनली चलने लग जाएगी और एक साल में ही वो प्रोफेशनल सारे स्ट्रोक सीख जाएगी, उसके बाद प्रोफेशनल की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि वो 6 साल की हो जाएगी और उसके कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, स्टेप 4 के हो जाते हैं, ग्रुप 5 में आ जाएगी, वो ग्रुप 5 में इजीली कंपटीशन कर सकती है। ग्रुप 5 के कंपटीशन होते हैं जो कि बच्चा आ जाता है 8 से 9 साल का, 8 से 9 साल के साथ वो कंपटीशन कर सकती है, बच्चे की जन्म नया है और जहाँ तक देखी जाए तो उसकी कैचिंग पावर भी काफ़ी बढ़िया है। और बस यही सीन था, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ऐसी वीडियो और मिलती रहेगी। हाँ एक चीज़ दिखाऊंगा पानी के अंदर वो कर क्या रही है, पानी के अंदर वाला आपको शूट दिखाता तो मैं शूट कर लेता हूँ अभी।
ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ, सॉरी दिखाया होगा मैंने बीच में, आगे दिखा दिया होगा, अभी एंडिंग वाला था ये, तो चलो एक बार पानी में भी दिखा देते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को स्विमिंग बाय मनी, जिसे दूसरा चैनल टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अगर वीडियो में कोई कमी है तो मुझे माफ़ कर देना। बीच में ये पॉपअप आते रहते हैं कि जो मेरे चैनल के नाम है दोनों की शो करते रहते हैं। आई होप कर वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू वॉच द वीडियो।